आप सभी को नागमनी केमेस्ट्री क्लासेस में स्वागत है मैं आपके लिए रेजुनेंस का चौथा पार्ट फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ फोर्थ पार्ट में टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे जनरल पॉइंट कहता है नंबर ऑफ फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्सनलिटी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होंगे तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होते हैं जिसमें बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होंगे उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होते हैं अगर यह रूल ना लगे तो दूसरा रूल लगाते हैं ऑक्टेट कंप्लीट रेजनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल दैन अदर ऑक्टेट कंप्लीट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हैं अगर यह भी रूल ना लगे तो कहता है न्यूट्रल रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल दैन चार्ज रेजनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर जिस पर कोई चार्ज न है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन चार्ज वाले से वैसे रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर जिस पर कोई चार्ज न है मतलब न्यूट्रल रेजनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है परिजन चार्ज से और जब चार्ज आ गया तो चार्ज में तीन पॉइंट देखते हैं निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है मैंने निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो निगेटिव आइटम पर है तो वह ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर हैं पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर हैं पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर हैं तो वह भी मोर स्टेबल होते हैं पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर हैं तो वह भी क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं मोर स्टेबल होते हैं और कहें सेम चार्ज सेम चार्ज की दूरी ज़्यादा हो तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और अपोजिट चार्ज की दूरी कम होने पर मोर स्टेबल होते हैं सेम चार्ज की दूरी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है अपोजिट चार्ज की दूरी घटने से स्टेबिलिटी बढ़ता है इतनी बातों को याद रखेंगे तो यह पता लग जाएगा कौन रेजनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है लेकिन इतना बात याद रखना थोड़ा कठिन होती है इसलिए मैंने एक ट्रिक बना दिया हूँ मैंने ट्रिक बनाया हूँ उस ट्रिक का नाम है ट्रिक्स ऑफ डॉक्टर नागमि उस ट्रिक में कहता है पियोन सी यूज इन सीरीज पियोन सी यूज इन सीरीज पी आई पाई सबसे पहले पाई बाउंड देखिए पाई पाई बाउंड है तो वह ज़्यादा स्टेबल होंगे अगर पाई बाउंड ज़्यादा नहीं है तब ऑक्टेट कंप्लीट देखिए फर्स्ट बॉन्ड देखिए तो वह सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे जिसमें बॉन्ड ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये स्टेबल अगर बॉन्ड बराबर हो जाए तब ऑक्टेट कंप्लीट देखिए ऑक्टेट कंप्लीट होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे अगर ऑक्टेट कंप्लीट भी सेम हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट के बाद न्यूट्रल देखिए जो ऑक्टेट कंप्लीट भी हो और न्यूट्रल हो तो वह मोर स्टेबल अगर न्यूट्रल दो हैं तब देखिए चार्ज न्यूट्रल के बाद क्या देखना है चार्ज मैंने सबसे ज़्यादा हुए होंगे स्टेबल जिसमें बाउंड ज़्यादा अगर बाउंड से ना क्लियर हुए तो ऑक्टेट कंप्लीट देखिए ऑक्टेट कंप्लीट से क्लियर ना हुए तब न्यूट्रल देखिए और न्यूट्रल से भी ना पता लगे लास्ट में चार्ज देखिए चार्ज में तरीका क्या है तीन पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम पर निगेटिव मोर स्टेबल इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव मोर स्टेबल सेम चार्ज की दूरी अधिक होने पर मोर स्टेबल अपोजिट चार्ज की दूरी कमने पर मोर स्टेबल होते हैं तो यह ट्रिक काम कर जाएगा सी अब हम आपको एग्ज़ाम्पल बतलाते हैं कौन सी रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होंगे एग्जाम्पल है एन एच टू सिंगल बाउंड बी एच टू इसकी रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर एन एच टू प्लस डबल बाउंड बी एच टू माइनस एन एच टू प्लस बी एच टू माइनस ये दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होंगे तो पहला हमने कौन रूल लगा दें सबसे पहले इधर से नहीं इधर से लगाना है बॉन्ड की संख्या यहाँ देखते हैं बॉन्ड जीरो है यहाँ देखते हैं बॉन्ड वन है तो नियम क्या कहता है ग्रेटर दे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ग्रेटर दे अस्टेबिलिटी ग्रेटर दे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ग्रेटर दे अस्टेबिलिटी ये आपके लेस स्टेबल ये आपके मोर स्टेबल एक और नेक्स्ट लिखते हैं सी एच टू डबल वन सी एच सी एल और दूसरा इसकी रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर सी एच टू सिंगल वन सी एच सी एल देखिये पेयर वाले पर पॉजिटिव चार्ज होता है थर्ड एटम पर निगेटिव वन टू थ्री वन एटम जिस पर लोन पेयर है वो पॉजिटिव और थर्ड निगेटिव दो तीन का डबल बॉन्ड वन और टू के बीच में अभी पता लगाना है कौन ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ देखते हैं पाई बॉन्ड इक्वल टू वन यहाँ भी पाई बॉन्ड इक्वल टू वन माने पाई बॉन्ड वाले सेम हैं पहला रूल से ना क्लियर हुआ तब दूसरा रूल ऑक्टेट कंप्लीट पर आ जाएं ऑक्टेट कंप्लीट जोड़ने आते हैं इस क्लोरीन के अपना सात इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाया आठ इस क्लोरीन के अपना सात इलेक्ट्रॉन दो से बॉन्ड बनाया नाइन एक पॉजिटिव बने नाइन में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस तो यह भी ऑक्टेट कंप्लीट माने कह सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट माने ये भी सेम हो गया तब तीसरा कहता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होंगे चार्ज से तो ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका चार्ज है वन इज मोर स्टेबल क्या कहता है न्यूट्रल की स्टेबिलिटी चार्ज से ज़्यादा होता है न्यूट्रल रेजनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चार्ज से ज़्यादा होता है मतलब ये आपका हुआ मोर स्टेबल ये आपका रेजनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल और देखते हैं एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एन एच टू सिंगल बॉन्ड रिंग इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है लॉन पेयर है पेयर सिग्मा पाई मैंने पाई सिग्मा लोन पेयर की कंजुगेशन है इसमें नंबर क्या करते हैं वन टू थ्री लोन पेयर का कंजुगेशन याद है जिस एटम पर लोन पेयर होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होंगे और थर्ड एटम निगेटिव होते हैं दो और तीन का डबल बाउंड वन और टू में चला जाता है आराम से इसकी फिगर बनावे एन एच टू वन टू थ्री में चेंज होंगे बाकी ज्योकाते हो एक कांस्टेंट रहेंगे एक कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे थर्ड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएंगे दो तीन का डबल बाउंड एक और दो में दिखाया जाएगा हो okay? गया और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका देखते हैं और औरजनेटिंग जैसे ही देखिएगा देखिए निगेटिव सिग्मा पाई मैने पाई सिग्मा निगेटिव कंजुगेशन पाई सिग्मा निगेटिव कंजुगेशन याद करिए वन टू थ्री ट्रिक्स चलेंगे बाकी ज्यो का त्यों कॉन्स्टेंट होंगे वन टू थ्री में चेंज करिएगा बाकी कॉन्स्टेंट ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री वन का चार्ज थ्री पर चला जाता है ये कांस्टेंट लिख दीजिए ये थ्री पर चला आया टू और थ्री का डबल वन वन और टू में चला जाता है चला गया एक और स्ट्रक्चर बनाइए अब आप देखिए फिर आ गया निगेटिव चार्ज सिग्मा पाई मैंने पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन फिर वन टू थ्री ट्रिक्स लगाइए वन टू थ्री ट्रिक्स में ये वन ये टू ये थ्री ये तीनों को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे मैंने बाकी में कोई चेंज नहीं ये कांस्टेंट वाला लिख लिए वन का निगेटिव चार्ज थर्ड पर चला जाता है चला गया निगेटिव जाना सॉरी थर्ड पर चला जाता है टू थ्री का डबल बॉन्ड वन टू में चला आता है देर आर फोर रिजनेटिंग स्ट्रक्चर विच वनीज मोर स्टेबल विच वनीज मोर स्टेबल तो हमारा ट्रिक लगा दें पाई बॉन्ड ग्रेटर होंगे तो बॉन्ड नाप लीजिए सब में एक दो तीन एक दो तीन पाई बॉन्ड सेम हैं माने पियोन का पाई से कोई इफेक्ट ना पड़ता है अब ऑक्टेट कंप्लीट की बात देखें पांच इलेक्ट्रॉन अपना दो एक तीन बॉन्ड बनाया आठ मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हैं पांच इलेक्ट्रॉन अपना दो इधर से लिया सात और दो इधर से नौ एक पॉजिटिव नाइन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आठ मैंने ऑक्टेट कंप्लीट ओ मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट इसी तरह ये भी कंप्लीट मैंने पाई में पाई भी नहीं काम किया ऑक्टेट भी काम नहीं किया अब देखिए चार्ज और न्यूट्रल दो बचे हैं तो न्यूट्रल मोर स्टेबल होता है चार्ज से इसमें न्यूट्रल कौन है न्यूट्रल मोर स्टेबल होता है चार्ज से न्यूट्रल मोर स्टेबल होता है चार्ज से तो न्यूट्रल इसमें कौन है तो हम एन लगा रहे हैं तो ये हुआ एन का मतलब ये न्यूट्रल ये चार्ज यहाँ चार्ज लिख रहे हैं ये भी चार्ज ये भी चार्ज, तो विच वन इज मोर स्टेबल मतलब न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल माने न्यूट्रल ये है एमंग अगर इसका नंबर दे दें इन नंबर वन इन नंबर टू नंबर थ्री और इन नंबर फोर तो इन चारों में वन इज मोर मोस्ट स्टेबल वन जो है मोस्ट स्टेबल हैं तो न्यूट्रल एक स्ट्रक्चर न्यूट्रल हैं तीन स्ट्रक्चर चार्ज हैं तो आपके न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज अब चार्ज के केस में देखते हैं चार्ज में निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव दो अलग अलग चार्ज हैं पॉजिटिव भी हैं निगेटिव भी हैं मैंने दोनों अपोजिट चार्ज रूल कहता है अपोजिट चार्ज की दूरी घटने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है तो अब दूरी काउंट कर लें इन दोनों में एक बॉन्ड की दूरी है यहाँ से एक दो बॉन्ड की दूरी यहाँ एक दो बॉन्ड की दूरी इसमें एक दो तीन चार बॉन्ड की दूरी अपोजिट चार्ज रहे तो दूरी बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाता है अपोजिट चार्ज में दूरी बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाता है दूरी बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है तो दूरी सबसे ज़्यादा तो इसका मतलब थ्री नंबर लेस स्टेबल होंगे अब कंपैरिजन ये दोनों की दूरी दो नंबर बराबर चार नंबर तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एक नंबर न्यूट्रल चार्ज से न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल और दो तीन चार्ज में दूरी बढ़ने से स्टेबल घटते हैं तो इसमें दूरी ज़्यादा है तीन नंबर में दूरी बढ़ने से स्टेबिलिटी घट गए तो तीन नंबर सबसे कम स्टेबल और दो और चार्ज के दो और चार की दूरी बराबर है दूरी सेम है यह दोनों सेम स्टेबल एमंग ऑल वन इज द मोस्ट स्टेबल एमंग थ्री टू एंड फोर इज सेम स्टेबल एमंग ऑल थ्री इज लिस्ट स्टेबल एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं एक और एग्जांपल जैसे के है आपका बेंजीन और दूसरा रेजनेटिंग स्ट्रक्चर है आपका बेंजीन आप ध्यान से देख लीजिए दोनों को पाई बॉन्ड बराबर थ्री पाई बॉन्ड बराबर थ्री ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट न्यूट्रल इ न्यूट्रल न्यूट्रल चार्जी भी नहीं है चार्जी भी नहीं है सब फैक्टर सेम बोथ आर सेम स्टेबल बोथ आर सेम स्टेबल दोनों की स्टेबिलिटी सेम होंगे आप याद रखिएगा पियोन ट्रिक्स ऑफ डॉक्टर नागमनी पियोन ट्रिक्स घटते क्रम में जाते हैं पियोन का मतलब सबसे पहले बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट वाले से स्टेबल उसके बाद देखना है न्यूट्रल मॉलिक्यूल मोर स्टेबल चार्ज से चार्ज आ जाए तो उसमें तीन कंडीशन या चार तक ले सकते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव पर निगेटिव चार्ज हो तो मोर स्टेबल इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव हो तो मोर स्टेबल सेम चार्ज की सेम चार्ज की दूरी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है सेम चार्ज की दूरी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ता है और अपोजिट चार्ज की दूरी घटने से अपोजिट चार्ज की दूरी घटने से स्टेबिलिटी बढ़ता है थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग यूट्यूब क्लास ऑफ नागमनी केमिस्ट्री क्लासेस